सर्व संसद से अब हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। मोदी ने नारा लगाया है स्वच्छ भारत, हम भी पवित्र भारत भी करेंगे, स्वच्छ भारत भी करेंगे और पवित्र भारत भी करेंगे। ये बात मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। धर्म संसद से आह्वान हुआ है कि हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है जनवरी 2 तारीख। तो दोस्तों, आज फिर से नया सफ़र शुरू हुआ है और आज आपको बताना चाहूँगा कि आज हम पक्षियों को खाना खिलाने के बाद जाएंगे हमारे गुरुजी परम आदरणीय महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज आज बता रहे हैं गाजियाबाद में। और ये हैं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज इनका एक स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे और यात्रा जो है मधुबन बापू धाम थाना से लेकर आपका नवीन मार्केट तक पहुंचेगी। सभी पदाधिकारीगण साथ में होंगे तो चलेंगे दोस्तों, और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं फिर चलते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी को बताया था कि परम आदरणीय गुरुजी महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज आज गाजियाबाद में पधार रहे हैं और हम सब उनके स्वागत के लिए अभी प्रस्थान करेंगे। यहाँ से सड़क पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सभी कार्यकर्ता भी, सभी समाजसेवी और सभी अपने हिंदू रक्षक जो हमारा दल है उसके भाई प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रवीण चौधरी जी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और जिले के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण हमारे साथ इकट्ठा हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी भाई साथ में चलेंगे।
और नीचे लिखना उसके
गौरी हर को चलिए गुड़ लड्डू शाही सुर भर को महिमा कहीं न जाए लाग तो पर को जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुख दाता हमारे भजन दल के विष्णु परिषद के उमेश गर्ग जी हमारे पीछे बैठे तो मैं चाहूंगा अपना स्थान मंच पर ध्यान करें। साथियों, हिंदू रक्षा सेना के नेतृत्व में आदरणीय गुरु जी आज हम लोगों को बाहर घूमते हुए सभी कार्यकर्ता कोई भी दुर्घटना सम्मानित मंच और अति सम्मानित स्थान हिंदू रक्षा सेना में अपना मेरठ मंडल को संरक्षण और साथियों मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये हमारा हिंदुत्व जो है जिस हिसाब से इतनी हमारे दल हो रहे इतनी हमारी सेना हो रही है मगर ये मान के चलिए दुनिया इस बात को जानती है कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी धर्म निकले हैं वो सब हिंदू धर्म से निकले हैं। दोस्तों, 1,96 करोड़ वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति है। जब पूरे विश्व के अंदर न इस्लाम न ईसाई न किसी भी धर्म का कोई आविर्भाव नहीं हुआ था, उस वक्त एक धर्म था, वो हमारा हिंदू सनातन धर्म। भारत के हिंदुओं ने पूरी दुनिया को चलना सिखाया, शिक्षा की शिक्षा दीक्षा दी। 1893 में शिकागो की धरती से वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में जब स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया, उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया के सभी सताए हुए लोगों को अपने यहां शरण दी है। हमने कभी भी देश में असहिष्णुता नहीं फैलाई। भारत के हिंदुओं ने कभी भी देश में सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाया। अरे, हमने तो त्याग के दम पर, पवित्रता के दम पर, प्रेम के दम पर, सहिष्णुता के दम पर पूरी दुनिया पर राज किया था। भारत विश्व गुरु था और आज भी भारत विश्व गुरु होने का भारत में सामर्थ्य है। लेकिन दुख और पीड़ा तब होती है जब इस्लाम के 52 देश खड़े हो जाते हैं और हम हिंदू इतने संगठित होने के बाद भी अपना एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाते। तब इस आवाज को इस मंच से बुलंद करना पड़ता है परम पूज्य स्वामी जी महाराज को। यह उनकी पीड़ा नहीं है महज, यह उनका कोई व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है, बल्कि यह हर हिंदू की पीड़ा है, हर राष्ट्रवासी की पीड़ा है जो अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है। मैंने कहा कि भारत के हिंदुओं ने हमेशा से विश्व के सभी धर्मों को गले लगाने का प्रयास किया है, लेकिन हमने हमेशा से सभी दुनिया के चौधरी जी उत्तर प्रदेश हरिद्वार दिल्ली आदि क्षेत्रों से आए समस्त हिंदू रक्षा बंधुओं, जिस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है वास्तव में और जो संकल्प यहाँ पर लिए जा रहे हैं मैं उस सबका समर्थन करता हूँ। नंबर वन, नंबर टू, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं हिंदू समाज को कोई भी गाली दे देता है, चाहे ओबीसी हो, चाहे दूसरे तीसरे कोई भी हो। जी महाराज श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, श्री विभूषित परिवार का आचार्य है, श्री स्वामी परमानंद जी महाराज आपके सामने गाजियाबाद की धरती पर
प्रकट हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में जिनका जन्म हुआ, बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप से राष्ट्र की सेवा का भाव प्रगाढ़ होता रहा। आपने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की है। इस क्रम में स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग तथा विधि की शिक्षा प्राप्त की है। राष्ट्र भावना के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में लगभग 15 वर्ष तक कार्य किया है। पूज्य स्वामी जी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। सन 1985-86 के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि गर्भगृह का ताला खुलवाने के लिए पूरे देश में स्वामी जी ने आंदोलन चलाया। बाल ब्रह्मचारी संत अयोध्या के रूप में ख्याति प्राप्त की। आपने अपने ओजस्वी भाषणों से ऐसी अलग जगाई, मना करने के बाद भी तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना पड़ा। यह हिंदुओं के लिए गौरव का महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि पूज्य स्वामी जी के आह्वान पर लाखों लोगों ने ताला न खुलने पर आत्मदाह का संकल्प लिया था। तब सरकार ने भयभीत होकर ताला खुलवाया। तब से निरंतर आज तक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में एक गिलहरी के रूप में आपने अपनी भूमिका सदा निभाई है। आज भी पूरे देश में हिंदुत्व की भावना को प्रखर धार देने का काम पूज्य स्वामी जी निरंतर करते रहते हैं। पूज्य स्वामी जी ने भारत माता मंदिर हरिद्वार परिवार से संन्यास ग्रहण किया है तथा अनेकों वर्ष हिमालय की गोद तथा गंगोत्री की भूमि में तप एवं साधना की है। गंगोत्री में साधना के समय अनेकों सिद्ध सूक्ष्म एवं प्रत्यक्ष संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पूज्य सिद्ध संतों के आदेश का पालन करते हुए उन्हें संसार में पूज्य स्वामी जी सनातन धर्म प्रचार हेतु भ्रमण करते रहते हैं। सन्यासी होते हुए भी योद्धा की भूमिका में हिंदू विरोधी ताकतों को सदा लड़काते रहते हैं और उनके हिंदू विरोधी मंसूबों को सफल नहीं होने देते। इसी रूप में पूरे भारत में हिंदुत्व को जगाने और संगठन के लिए हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हिंदू समाज की धार्मिक भावना प्रगट रहे, इसी क्रम में आप भारत के प्रखर उच्च कोटि के कथा प्रवक्ता भी हैं। आप श्री राम श्रीमद्भागवत कथा, श्री विष्णु पुराण कथा पूरे देश में प्रवचन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। पूज्य स्वामी जी गो प्रेमी भी हैं, उनकी सेवा में भी निरंतर लगे रहते हैं। पूज्य स्वामी जी का हमारे शिवा चौधरी जी की धर्मपत्नी गुरुजी को सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शांताकारं भुजगसेनं पदवनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदस्तं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकेकनाथं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुणध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरिः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा की जो सेवा जानी चाहिए। गाजियाबाद के दूसरे कौन तक दयाबाद और मुट्ठी बीच कर दोनों हाथ उठाकर
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबने बड़े उत्साह के साथ गाजियाबाद शहर में धूमधड़ाके शोर शराबे के साथ स्वागत यात्रा निकाली। आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आपने गाजियाबाद से शुरू किया है तो ये यात्रा, क्योंकि धर्म संसद गाजियाबाद से मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, थोड़ी देर बैठेंगे और आने के बाद आपने भव्य दिव्य स्वागत किया, मेरा भी बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ और मुझे भी आप सब लोगों से प्रेरणा मिली। और प्रेरणा इसलिए मिली, 17, 18, 19 को हम लोग हरिद्वार में धर्म संसद कर रहे थे और उस धर्म संसद का चिंतन का विषय था हिंदू कैसे विजयी हो, हिंदू कैसे बसे जहां पूरे विश्व की ताकत और शक्तियां हिंदू को समाप्त करने में लगी हैं और ऐसी परिस्थिति में हिंदू को कैसे बचाया जाए। और हमने वहां पर अनेकों लोगों ने अनेकों उपाय और तरीके बताए कि हिंदू को ये करना चाहिए, हिंदू ऐसे बचेगा, ऐसे विचार रखे। लेकिन देश का दुर्भाग्य, हिंदू ने अपनी सुरक्षा और बचने के लिए जो चिंतन किया उसको लोगों ने ये कहा कि ये धर्म संसद पूरे विश्व के जिहादियों को समाप्त करने की योजना बना रही है। और आप आश्चर्य करेंगे, जो लोग जिहादियों की घोषणा करते हैं इनको जीने का अधिकार नहीं है, वह लोग भी हमारे विरोध में खड़े हो गए। आज पूरे विश्व में केवल दो ही चर्चा होती है, एक तो चर्चा होती है हरिद्वार धर्म संसद की और दूसरी चर्चा होती है आपके अध्यक्ष की, स्वामी प्रबोधानंद की। ये महात्मा क्या करना चाहता है, कितना दुर्भाग्य है कि अगर हम अपनी रक्षा के बाद की बात करते हैं तो भी लोग हम पर उंगली उठाते हैं, अनावश्यक आरोप लगाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसे इतने के बावजूद जहां पूरे देश में आज चर्चा हो रही है, लोगों ने सोचा कि बाबा जी हो सकता है यू टर्न कर जाएगा। पत्रकारों ने मुझे कई बार पूछा, धर्म संसद आपकी अध्यक्षता में हुई, आपने जो बोला वो ठीक है। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक उस पर अड़ा हुआ हूं, मेरा एक एक शब्द ठीक है। और चर्चा का विषय हो गया, इसके कारण से मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूं कि आपने ये विश्व विजय पताका फहरेगी इसे कोई रोकने वाला अब नहीं है। और उस विश्व विजय पताके की प्रथम सीढ़ी का काम गाजियाबाद के लोगों ने किया है, तो आपको मैं बार बार साधुवाद देता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन मुझे तो पता भी नहीं था, लेकिन आप सब लोगों ने तैयारी की, हमारे हिंदू रक्षा सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री श्री प्रवीण चौधरी जी की प्रेरणा से जन्म सिंह चौधरी, मैंने तो पहले जाना कि जन्म भी है और सिंह भी है, और जबकि मेरे बालक है शिवा चौधरी मीडिया प्रभारी है हमारा यहाँ कहा उसके पिताजी, मैं इनका नाम नहीं जानता था, मैं इनको बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। आपने धर्म के लिए एक कदम बढ़ाया है तो भगवान आपको सदायु दे, लंबी आयु दे, और आप भगवान के काम में अग्रणी भूमिका में इसी प्रकार खड़े रहें। तो जन्म सिंह चौधरी जो हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री, उनको भी मैं हृदय से आभार देता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के संयोजक नवीन त्यागी जी आपके बीच में बोल रहे थे, जन्म सिंह जी
उनको हृदय से बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे नंद कुमार नंदी, वास्तव में जैसा इनका नाम है नंदी, भगवान शंकर के नंदी के स्वरूप, और इन्होंने आज यात्रा में जितना उत्साह दिखाया, लग ही नहीं रहा था कि भोले बाबा का नंदी कहीं हल्का फुल्का, शरीर से भी मजबूत और काम से भी मजबूत, ऐसा इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूं। भगवान आपको सदा सदा शक्ति देता रहे। हमारे हिंदू रक्षा सेना के नंदी जी राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सचिव भी है, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव है राजकुमार चौधरी। इन्होंने वास्तव में इन्होंने भी बहुत परिश्रम किया, सबको फोन करे, सबको बुलाया, तो इनको भी मैं हृदय से बहुत साधुवाद देता। श्री निरंजन सिंह जी आपके बीच अभी बोले थे, इनका तो मेरा बहुत प्रेम है, बहुत पुराना है, और ये मुझे हर तरह से सहयोग करते हैं। और अपने बीच में अभी एक बालक बोल रहा था, ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी ने इसके भाषण सुन करके वो प्रभावित हुए, और उन्होंने भारत के 30 सांसद, युवा सांसद, प्रत्येक प्रांत से एक सांसद हो, तो ऐसे उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड के युवा सांसद के नाते अपने बीच में बोल रहे थे। ये हमारे हरिद्वार के अच्छे हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता हैं, श्री विनय कुमार यादव जी, इनको भी मैं बहुत हृदय से शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूं। और उमेश गर्ग जी वे सिंधु परिषद के कार्यकर्ता हैं, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपने मीडिया के बीच में बैठे हुए मीडिया का काम कर रहे हैं राजेश जी, वे वास्तव में भी हमारे हिंदू रक्षा सेना के बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और पूरी यात्रा में बड़ी तरीमियता के साथ मीडिया का काम कर रहे थे। और मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको भी, जिनको नाम लिया उनको भी, और जिनके नाम नहीं ले पाया हूं या जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, क्या चले गए कि जिला अध्यक्ष नीरज चौधरी व्यवस्था में लगे, और यहाँ के महानगर के अध्यक्ष हैं मुनंद त्यागी जी, उन सबको, कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार करता हूँ, और पहलवान जी सभी को मैं अपने गौरव पहलवान जी हैं, और उन्होंने बहुत सहयोग किया, ये भी उनको बहुत बहुत सबको शुभकामना। मेरा आपको पुनः आप बहुत ज्यादा इसमें समय न लेते हुए आप सबको शुभकामना में इस नाते दे रहा हूं, भारत की एक नई इतिहास की भूमिका तैयार हो रही है, उस भूमिका में एक हिंदू राष्ट्र का भव्य महल तैयार होगा, उसकी नीम के पत्थर के रूप में आप लोगों को जाना जाएगा, और ये इतिहास आपके ऊपर लिखा जाएगा। ऐसी शुरुआत हो गई है। मैं ये इस बात को इसलिए कहता हूं, जब हमने 2017 में जब देखा था पूरे विश्व में हिंदुओं का कोई कहने वाला नहीं है, हिंदुओं की कोई बात करने वाला नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, और हिंदुत्व की हिंदू संस्कृति को बचाना बड़ा दुर्लभ है। कई लोगों से विचार करने के बाद सब लोगों से आग्रह किया तो सब लोगों ने कहा हाँ महाराज जी ये बात ठीक है, बड़ी कठिन है, और इस काम को कष्ट करना चाहिए, हिंदू इकट्ठा हो, हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू संगठित हो, ऐसा भाव कैसे खड़ा हो, कौन करे, तो सब लोग कहते थे, मेरी तरफ उंगली कर देते थे। जब बार बार मेरी तरफ उंगली की तो मैंने सोचा हनुमान जी महाराज की यही इच्छा है, और इसीलिए और उस सबने उंगली करने के साथ भी उत्तर प्रदेश के वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इशारा किया कि महाराज जी अब हम सरकार में चले जा रहे हैं और हिंदुत्व की लड़ाई अब कौन लड़ेगा, और उनकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था, और उन्होंने जब मुझे इशारा किया तो मैंने उनको वचन दिया
मैंने आप चिंता न करिए, ये हिंदुत्व की जो धार आपने तैयार की है ये धार जो है चलती रहेगी और ये धार इतनी तेज हो जाएगी इसके सामने लोग टिक नहीं पाएंगे। आज से यही है और आज आपकी धार इतनी तेज हो गई है पूरे विश्व का मीडिया जो आप जानते हो मीडिया का स्वभाव 20 बार बुलाओ तो आता नहीं है, लेकिन आज मीडिया सड़क पर है, आज हिंदुत्व की बात पूछता है, हिंदू संस्कृति की बात पूछता है। आपने हिंदू की रक्षा के लिए जो बीड़ा उठाया है आपकी क्या योजना है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे पहली बार इतने लंबे जीवन काल में, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ 1985-86 से राम जन्मभूमि के सार्वजनिक आंदोलन में मेरी भूमिका थी, उसके बाद मैं पहली बार सार्वजनिक भूमिका में आया हूँ, उसके बाद लंबे समय गंगा जी में के किनारे गंगोत्री और गंगा के किनारे पर कने को जगह पर तब साधना करता था, लेकिन संतों ने मुझे नहीं रुकने दिया, संतों ने कहा कि नहीं, आपको देश समाज और इस हिंदू संस्कृति के ऋण का चुकता करना है, इसके लिए आपको संघर्ष करना है। इसके कारण से हिमालय की कंदरा में मैं अपने शरीर को छोड़ने के इरादे से गया था, लेकिन संतों ने मुझे धक्का दे करके आपके बीच में भेजा है। मैं तो संतों की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं आज यहाँ बता देना चाहता हूँ, आपको 10 दिन हो गए मीडिया वालों को ट्रायल करते हुए, आपको 10 साल भी अगर मुझ पर ट्रायल करेंगे तो आपका स्वागत है, ये महात्मा पीछे हटने वाला नहीं है। अब ट्रायल किस बात का हो रहा है? केवल ट्रायल इस बात का हो रहा है कि ये महात्मा हिंदुओं की रक्षा की बात करता है और हिंदुओं की रक्षा के लिए ये लड़ाई के लिए भी तैयार है, संघर्ष के लिए भी तैयार है। और एक महात्मा अगर हर भारत में खड़ा होता है इस काम के लिए तो धारा बदल जाती है। अब धारा बदलते हुए दिखाई देती है और ये बदलते हुए दिखाई का परिणाम ये है कि जब 2017 में हम हिंदुत्व की हिंदू संस्कृति की बात करते थे तो हमारे महात्मा भी हमसे कहते थे, अरे महात्मा भजन करो, इसकी चक्कर में पड़े हो। लेकिन आश्चर्य होगा 16, 17, 18, 17, 18, 19 की जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई तो आप आश्चर्य करेंगे, मैं भी आश्चर्य करता हूँ, हरिद्वार के संत अपने मठ मंदिर छोड़ करके धर्म संसद के मंच पर आए और उन्होंने कहा महाराज जी आपका ये पुण्य काम है, तन मन धन से हम इस काम के लिए आगे आएंगे कि मेरे देश का हिंदू बचना चाहिए, हर हालत में बचना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू नहीं बचेगा तो इस धरती से मानवता नहीं बचेगी। मानवता को बचाना है, विश्व में शांति करनी है तो मानवता को बचाने के लिए हिंदू की रक्षा करना अनिवार्य है। तो मुझे भी आश्चर्य है, हरिद्वार में बहुत संत हैं, हजारों संत हैं, एक स्वर में सारे महात्माओं ने, सारे अखाड़े के महामंडलेश्वरों ने, सारे अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने, सारे महंतों ने और सबके अनेकों आश्रम है वहां हजारों, सबने एक स्वर से हमको समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो मैं सभी साधु संतों का, देश के सभी साधु संतों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया है और हमका पूरा भरोसा है ये अब हिंदुत्व विश्व विजयी करके ही रुकेगा, इससे पहले अब रुक नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ वो धन संसद में घोषणा क्या क्या, आपको बताता हूं जिस पर चर्चा है। धन संसद में चिंतन के बाद यह बात हुई कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत भयानक है और कितनी भयानक है कि पूरे देश में हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को लूटा जाता है, हिंदुओं की संपत्ति लूटी जाती है और हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जाता है, पूरे देश में गाय हत्या होती है, पूरे देश में हमारी बहु बेटियों के साथ रेप और गैंग रेप होता है। लेकिन दुर्भाग्य है देश के राजनेता हमारी तरफ नहीं देखते, बल्कि जो जिहादी इस काम को करते हैं उनको संरक्षण और संवर्धन देते हैं। आपको ध्यान होगा केरल में आज हिंदुओं को सरेआम मार दिया जाता है,
उत्तर भारत में आपको पता ही है, कैराना के पास में गांव खाली हो गए, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में मोहल्ले के मोहल्ले हिंदुओं के खाली हो गए। हिंदुओं का पलायन रुक नहीं रहा है और सरकार इसके लिए कोई गंभीर नहीं है। सरकारें केवल लच्छेदार भाषण देती हैं। हम अब दो दिन में समस्या इसे समाप्त कर देंगे। आपने सुना होगा, कितनी बार सुना, कश्मीर की भयंकर समस्या है। आप आश्चर्य करोगे कि 20 लाख लोग कश्मीर से भगाए गए या मारे गए या उनकी बहु बेटियां छीन ली गई, लेकिन आज तक 30 साल होने के बाद भी एक हिंदू को बसाया नहीं गया इस देश में। और जबकि बात क्या है, सत्यता क्या बात है, वो सत्यवादी हमने बोली थी, वही बात हम यहां दोहरा रहे हैं। सत्यता क्या है, 1947 में भारत के मुसलमान ने हिंदुओं के देश में ये कहा था, मैं हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, हमको अपना देश अलग चाहिए। और हिंदू की हमेशा सहनशीलता की पराकाष्ठा है, हिंदू हमेशा उदारता का परिचय देता है, जबकि ये मांगना बहुत गलत था। लेकिन फिर भी हिंदू ने कहा, अगर इससे शांति आती है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। 1947 में 13% थे और 13% को 33% भूभाग और संपत्ति दी गई। और क्योंकि किसी हिंदू ने, मैं ये कहता हूं पूरे सरकारों को, नेताओं को चैलेंज करता हूं कि आप कोई बता दे कि भारत के एक हिंदू ने मुसलमान से यह कहा था कि भारत छोड़ के चले जाओ। भारत के मुसलमानों ने कहा था, हम भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, हमको अलग देश चाहिए। और जब उनको अलग देश दे दिया गया तो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे देश के सेकुलर नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया। उनको नया राष्ट्र दे दिया गया, एक नहीं दो दो दिए गए, पूर्वी और बाकी पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद भी योजना के तहत, षड्यंत्र के तहत यहां से मुसलमान नहीं गया। और मुसलमान नारा लगाता है, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ऐसे नारे आपको देते, और यहां पर क्रिकेट मैच होता है तो मुसलमान यहां रहता है, यहां का खाता है, यहां का पीता है, यहां सब काम करता है। लेकिन नारे जब क्रिकेट मैच होता है तो नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाता है। हमने धर्म संघर्ष में कहा, अब देश में जो पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और भारत में जो जिहाद करेंगे उनको भारत में हम नहीं रहने देंगे। हम उनको अभी कहते हैं, अगर उनको किराया चाहिए तो लेके चले जाए, और नहीं तो हम जो है अब पाकिस्तान जिंदाबाद नारा करोगे तो धक्का देके हम पाकिस्तान भेज देंगे। आप ज्यादा बहुत हो गया है, अब सैनिक की सीमा खत्म हो गई है, ये धर्म संसद में तय किया गया। अगर यहाँ रहेगा और पाकिस्तान का नारा लगाएगा तो पाकिस्तान में ही जाना होगा, वो हिंदुस्तान में नहीं अब रह सकता। इसके लिए, क्योंकि ये स्थिति थोड़ी नहीं है, ये भयावह हो गई है। भयावह कैसी हो गई है, आपने एक देश सुना होगा जिसका नाम था ब्रह्म देश, आज उसे म्यांमार कहते हैं। म्यांमार में और आपके देश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर रह गया। वो म्यांमार में क्या हुआ, जो इस्लाम के जिहादी लोग हैं उन्होंने भागे हिंदुओं को, आप लोग भ्रम में मत पड़ा करिए, बौद्ध और जैन हिंदू ही है, आपको डिवीजन किया जाता है। तो बौद्ध हिंदुओं को सड़क पर मारते थे, रास्ता चलते मार देते थे, ये पता नहीं होता था सुबह गया हुआ हिंदू शाम को वापिस आएगा कि नहीं आएगा। जब यह स्थिति हो गई, लाशें सड़क पर पड़ी होती थी, उठाने वाला होता नहीं था। और इतना ही नहीं हुआ, लोगों ने, इन जिहादियों ने उस लाश को जला करके सड़क पर खाना प्रारंभ कर दिया। भारत में भी कहां तक पहुंची है स्थिति, हिंदू को मार दिया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, उसके बाद उसको मार कर सड़क पर फेंक दिया जाता है। आपको दिखाई नहीं देता, केरल में आए दिन होता है, पूर्वांचल में आए दिन होता है, और अब तो आपके पड़ोस में भी होने लगा। आपको ध्यान है, दिल्ली के बॉर्डर पर एक हिंदू को इन जिहादियों ने मार करके सरेआम उल्टा लटका दिया।
का हिंदू इसका इंतजार करेगा। संसद से घोषणा हुई है, धर्म संसद से, अब हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। मोदी ने नारा लगाया है स्वच्छ भारत, हम भी पवित्र भारत भी करेंगे, स्वच्छ भारत भी करेंगे और पवित्र भारत भी करेंगे। ये बात मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, मीडिया वाले यही बात मैंने वहां धर्म संसद में कह दी, ये वीडियो वायरल हो गया, पत्रकार दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा महात्मा होकर के आप ऐसा बोलते हो। हमने कहा भाई कहां लिखा है कि हम महात्मा हो गए और हम पर हथियार लेकर के हमारी गर्दन काटे और हम उसके हाथ जोड़ करके विनती करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो हमारे शास्त्रों में ही नहीं। और आपको आश्चर्य बताऊं, डिबेट चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फर्जी महात्मा बहुत है, उनको तो पत्रकार जो है आदरणीय संत बोलते हैं, डिबेट में बैठते हैं फर्जी लोग और वो हिंदू समाज का कुठाराघात करते हैं। एक फर्जी महात्मा कहता है, अरे महाराज जी हिंदू संस्कृति के किस ग्रंथ में है कि हथियार उठाओ। अरे हमने कहा तुमको शर्म नहीं आती, हमारे राम और कृष्ण हथियार के बिना रहते नहीं है, और राम ही थे जिन्होंने आतताइयों को लंका तक मारा था और लंका तक सफाई करके तब अयोध्या वापस आए थे। भगवान कृष्ण थे जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिन्होंने महाभारत का आह्वान किया, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हुई और उनका वध किया गया। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए धर्म को अस्त्र उठाना पड़ता है। पर तराना साधु नाम बिना साच दुष्कताम, हमारे यहां शास्त्र है, हमारे यहां दुष्ट पर रहने का अधिकार नहीं है। तो हमने कहा महोदय आपने पढ़ा नहीं है तो मैं क्या करूं, हमारा कोई भी देवी देवता बिना हथियार के नहीं है। इसके कारण से धर्म संसद से आह्वान हुआ है कि हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए, और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी और माता के मैसा मर्दने की, महिषासुर मर्दनी माँ ने दुष्ट का संहार किया तो ये सारे देवी देवता आपके पास अस्त्र रखते हैं। तो हमने भावी आह्वान किया आपको भी संसद धर्म संसद का निर्णय बता देते, अपने घर में हथियार जरूर चाहिए। अब हमारे सामने युद्ध खड़ा है, धर्म और अधर्म का युद्ध है और इसीलिए आपको हथियार लेकर के, क्योंकि उनके पास जिहादियों के घर में विदेशी हथियार मिलते हैं आप लोग जानते हैं, और आपको पता भी है अमेरिका में अगर आतंकवादी पकड़ा जाए तो इस्लामी जिहादी पकड़ा जाए, इंग्लैंड में अगर आतंकवादी पकड़ा जाए तो इस्लामी जिहाद पकड़ा जाता है, भारत के किसी कोने में आतंकवादी हथियारों से लैस पकड़ा जाता है तो केवल वह जिहादी होता है। अब जिहादी के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, युद्ध की तैयारी आपको खुद करनी है। यह बात हमने हम सब लोगों ने धर्म संसद में कही, आप सबके बीच में पुनः कह रहे, और ये युद्ध निर्णायक होगा इस बार ये युद्ध ऐसा नहीं होगा, लोगों के मंसूबे हैं भारत को दोबारा बांट लेंगे, आपने कई बार बांटा, आपने कई बार हमसे छीना, लेकिन मैं उन्हें जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि आप भारत को बांटने के मंसूबे खत्म करो, कहीं ऐसा ना हो भारत पुनः ईराक और ईरान तक हो जाए, अखंड भारत हो जाए, ऐसे युद्ध महाभारत होने की स्थिति है, इसे कोई अब रोकने वाला नहीं है। और अगर आपको बचाना है तो अभी आप संशोधन कर लो, ठीक कर लो, और अगर नहीं किया तो सारी जिम्मेदारी शासन की, प्रशासन की, नेताओं की। एक बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कबूतर पर बिल्ली खाने के लिए झपट्टा मारती, कभी देखा है किसी ने? अगर बिल्ली कबूतर को खाने के लिए झपट्टा मारे और कबूतर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली नहीं खाएगी? बोलो, बिल्ली खाएगी। तो बिल्ली अगर कबूतर को तब भी खाएगी
तो भाई आंख खोल के अगर बिल्ली पे हम पहला हमला करें उसकी आंख फोड़ दें। हाँ जी बोलो, फिर क्या होगा? अगर बिल्ली आंख की आंख हम दोनों फोड़ देंगे तो फिर बिल्ली म्याऊ म्याऊ ही करेगी, म्याऊ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगी। भाई सब तैयार है? सब तैयार है? जय श्री राम। जरा मुट्ठी बीच के नारा लगाएंगे, नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव, नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। पूरे देश में अभी अलग हम आज संकल्प कर ले, हम पड़ोसी को तैयार करेंगे, अपने मोहल्ले को तैयार करेंगे, और ये युद्ध अब आपके सामने है, वो किस समय हो जाए ये कुछ पता नहीं है। युद्ध की उनकी तैयारी होती है, जिहादियों की, पूरे विश्व के लोग उनको समर्थन करते हैं और घर घर में हथियार पहुंच गया। अब आपको अपने बचना है, अगर आंखें बंद करके कबूतर की तरह बैठना है, ये आंखें बंद करके कबूतर नाम का हिंदू बैठना बंद कर दे, केवल आंखें खोल ले, और आप जानते हो बिल्ली उड़ नहीं सकती है भाई, उड़ तो नहीं सकती ना, और कबूतर ने अगर उड़ते हुए दोनों आंखें फोड़ कर दी तो फिर क्या करेगी वो? म्याऊ म्याऊ करेगी, ठीक है? तो इस बिल्ली को म्याऊ म्याऊ की स्थिति में पहुंचाना है, इस काम को हमको करना है। पुनः आप सबको हृदय से शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हो कि बहुत देर हो गई, कहीं को भूख भी लगी होगी, लेकिन कुछ विषय रखना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपके बीच में ये विषय रखा। पुनः आप सबको मैं हृदय से साधुवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, सबके खिलाफ करें, हम सब लोग हिंदू को बचाने के लिए हम जेल की चिंता भी नहीं करेंगे, हमको अगर जेल भी जाना पड़ता है तो हम जाएंगे, क्योंकि मेरा हिंदू बचेगा तो ये देश बचेगा, हिंदू बचेगा तो समाज की मानवता बचेगी, हिंदू बचेगा तो विश्व की शांति होगी। अगर हिंदू नहीं बचा, इसको बचाने के लिए हम कितना ही बलिदान देना पड़ेगा, हम उसका तैयार। लेकिन एक बात बता दें, अब जो है रावण के आतताई का आत खत्म हुआ, कंस का पापाचार समाप्त हुआ, तो ये भी बता देते हैं अब इस्लाम का आतंकवाद भी समाप्त होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन के महात्मा ने इसका संकल्प लिया है। वो करेंगे उत्तराखंड के जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या उनका दबाव है या उनकी संरक्षा में महाराज जी को FIR नहीं हो पा रही, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि FIR की बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है? नहीं, FIR क्यों होनी चाहिए? अगर जो लोग हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं को कहते हैं जीने का अधिकार नहीं है, हिंदू काफिर है, और काफिर की हत्या कर देना, उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? और जो हिंदू अपनी आत्मरक्षा की बात करेगा उसके खिलाफ FIR? क्योंकि मीडिया विदेशी लोगों के, कुछ मीडिया लोग ऐसे हैं जो विदेशी के इशारे से घूमते हैं, वो विदेशी इशारे करना चाहते हैं कि कुछ साधु जेल चले जाएं, उनकी कोई चिंता करने वाला ना हो, और उन पर झूठे साधे आरोप लगा दो। पिछले कई सालों से साधुओं पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये अगर मीडिया कर रहा है तो ये अच्छा नहीं कर रहा है, वह अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि जिहादी उनको भी नहीं छोड़ने वाले, उनके उनकी लिस्ट में वो भी काफिर है, हम भी काफिर हैं, तो काफिर वो भी है। इतना अंतर है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। तो एक बात सुन लो, आंखें बंद करने वाली बिल्ली को बिल्ली कबूतर को बिल्ली जल्दी खाती है, जो आंखें खोले होता कबूतर उसको बिल्ली देर से खा पाती है या खा नहीं पाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वहां का मुख्यमंत्री बाहर क्यों है? मुख्यमंत्री के बाप ने राम को और जानकी को गंदी गाली दी, तो आप ये आप बताएं क्या महात्मा गांधी
गांधी से राम बने, राम से महात्मा गांधी बने। अगर उसके मुख से कोई बात एक शब्द निकल गया तो आप उसको फांसी पे चलाएंगे। और जो बार बार बोलता है उसको कोई अपराध नहीं है। उस मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता हो तो वास्तव में मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए, क्योंकि रायपुर की धर्म संसद मुख्यमंत्री ने स्वयं आयोजित कराई थी और उसमें स्वयं आने वाले थे, उनका कार्यक्रम फिक्स था, लेकिन देर होने के कारण से धर्म संसद उनके लिए 7 बजे तक इंतजार किया गया। पहली बार मैंने देखा कि धर्म संसद किसी नेता का इंतजार कर रही है। धर्म संसद पर नेता नहीं आते, इसका मतलब जो आयोजक था वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और इतना नहीं, वहां का नगर निगम का जो पार्षद था वो आयोजक था, एक्स चेयरमैन आयोजक था, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता उस धर्म संसद के आयोजक थे। तो जितना अपराधी अगर वो है तो वो सारे अपराधी सारों को जेल जाना चाहिए। ये सौतेला व्यवहार सरकार का ठीक नहीं है। हमारा जो काले चरण दास जी अभी पुलिस कस्टडी में है तो उनके खिलाफ क्या साधु संत सामने आएंगे अगर उन्हें जेल भेज दिया जाता है दोबारा से? कानून की प्रक्रिया है और कानून की प्रक्रिया ये है कि कानून तय करे तो वास्तव में अपराध बनता है कि नहीं बनता है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा उन पर अपराध बनता भी है कि नहीं। जैसे देशद्रोह का मुकदमा लगाए तो देशद्रोह किसके खिलाफ होता है? देशद्रोह उसके खिलाफ होता है जो देश के खिलाफ काम करता है। अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो देशद्रोह कैसे हो जाएगा? दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्रपिता भारत के कैसे हो सकते हो? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ही नहीं, आप भ्रम फैला रहे देश में। कौन सी बुक बुक्स के लिखने से? क्या बुक तो कोई लिख देगा, लेकिन एक राष्ट्र का पिता भगवान तो हो सकता है, कोई आदमी नहीं हो सकता। वो महात्मा हो सकते हैं, वो महापुरुष हो सकते हैं, वो संत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। देश के राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं, सदपुत्र हो सकते हैं, राष्ट्र के अच्छे पुत्र तो हो सकते हैं, राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ की माता कौन है? सबकी माता कौन है? सबकी माता भारत माता, सबकी माता का भारत माता, तो सबका पिता भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो जाएगा? तो ये झूठ बोला जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम से देश के लोग बाहर आए, ऐसा मेरा निवेदन है। वो अपने महात्मा गांधी इतना तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस ही शंकराचार्य स्वरूपानंद ने यह बात कही। तो राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं। जैसे कि धर्म संसद जगह जगह का आह्वान संतों ने किया है कि जैसे ये एफआईआर वगैरह हो गई है, क्या आगे से धर्म संसद चलती रहेगी या यहीं पर खंडन कर दिया जाएगा? धर्म संसद किसी के भी रोकने से नहीं रुकेगी और पूरे देश में धर्म संसद आयोजन की जाएगी। अलीगढ़ में तय हो गई है, कुरुक्षेत्र में तय हो गई है, हिमाचल में तय हो गई है और पूरे देश में। पहले तो हम सभी प्रदेशों में जाकर के धर्म संसद करेंगे और फिर हमारा आह्वान है कि हर जिले में धर्म संसद करेंगे। एक एक हिंदू को बताएंगे कि पूरे विश्व के लोग आपको समाप्त करने के लिए षड्यंत्र कर चुके हैं, अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाओ। और आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, आपको आत्मरक्षा खुद करनी होगी। इसके लिए हर हिंदू को जगाने का काम हम करेंगे, कर रहे हैं। जिन भाइयों का नाम नहीं ले पाया उनका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।